राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छी मम्मी स्वागत है। तो भाई इस टाइम पे 2:40 हो गए और बच्चे जा रहे हैं, मेरे का कवर सीन काटने जा रहे हैं और उनने मतलब नू कह जा रहे हैं कि बरसीन अपने आप ले जाएंगे, आप मत लेके यो। और हम बोलिए यहाँ तैयार, ननद भाभी देख लो नहा धो के लिचे ना खेत में और जान भाई के, मैं भी नहीं लिचे ना खेत में जान के तना तो ऊपर लगे बरोटे कटवाइए आ गई। जमींदारा की बहू को नहीं लग दी जमींदार की है। या काम कौन कर दी, खेत में ले जू ना इसने मेरा तो सूट फीक रंग का खराब हो जाएगा खराब। बहू जमींदार ना, की एक सारी चीज पिकी लौकीला पिकी बहू है, तो नहीं स्वेटर बाकी सूट बूट बूट ना पाई माँ। तो भी अपना एक बारी खेत में लेके चलेंगे और फिर जो आगे का जो भी काम करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बैठू आ वीडियो में ने मारे पर ना उठाता हम बड़े बड़े हाथ इन हाँ तो आंगेड़े जाओगे दस आगे। मेरी जुत्ती किसी लागी जरूर बताइयो कमेंट करके, मन तो बहुत प्यारी लागी पर ये तो वाह बात हुआ है, इब वांगी एक दो बनाई बार दी, पैर दे वांगी बनाई दी कि मैं मेरे पैर ऐसे हैं नून ना टेबा तेरे बरली पास है उड़े जा रहे हैं। तो भाई मेरे माँ ने खोल लिया है बड़द और सुमन ने ठा ली है पल्ली, हरमन ने ठा लिया मेरा कैमरा है। तो ये चलेंगे सारे क्यों के दा भरी है ऐसा के ले जाएंगे कासन कासन पावेंगे बस चोरान और कि मैं पाव एक होनी। अच्छा कखम कख माँ काम नहीं करता बिल्कुल, खींच के ले लिया कृष्ण ने, खींच के मार मत दिए बताऊं गाल का काम है गाल का काम है अब पागल दर्द हो है चलो कोट पैर लिया करो जड़ में कोट गिफ्ट दे दे सरकार दे भी आऊंगी मैं। ओ आप पहन को नहीं सारा रंग के ले रहे हो, जेड का रंग का एक एक दौड़ा देखूंगी आप खतर बस दौड़ा दौड़ा कर काम हो गया इब तो जेड देवर हाँ उड़ाने पड़ा कि कपड़े सुखा रहे के बता या कोई जगह होगी कपड़े सुखाने की मैं बग्गी पर कपड़े सुखाए दिए बता या कोई जगह होगी कपड़े सुखाने की फिर मैं भी मजाक कर रही हूँ। हाँ सारी बात सीरियस मत लिया करो, ब्याह की सच्ची थोड़ी हो है। साबत कनड़ी ना बेता रहा है कोई नहीं खिंचता इस तुर तो दूर लगे देख देख ले देख ले देख ले शर्म मुक्के मारा हूं भी दर्द है कोई नहीं नहीं है इसे बुंडे लागे इसके तो टोरड़िया मर गए भी तबेरा है सिर दुखन लग गया आ के बुआंगी हण देखे तो मत यवरी नवंद ले आई है तो यहाँ पे हम पहुंच गए हैं ज्योति के पास में और जहाँ तो थे हम खेत में, खेत यहीं पे है मतलब ज्योति के घर के पास में रजवाया है और रजवाए थे उस साइड में मतलब जो बरसीन है हमने वो ले रखी बरसी मरा चारा और हमने फिर पता चल गया था भी मेरे काका वहाँ आए को नहीं है तो फिर हम रुक गए थे सुमन और मैं फिर हम जाके के करेंगे जब काका वहाँ पे हैं। तो और काट तो रखी थी बस उठा के लेनी थी मेरी माँ मेरे का कथे तो मैं उठा लेवेंगे और हमने फिर नू था मखा आंदे आंदे आप खेत में हांड आवेंगे थोड़ी सी वीडियो बना लेवेंगे खेत की और फिर आंदे आंदे ज्योति के बैठ जावेंगे। तो फिर हम खेत में गए को नहीं सुमन बोली फिर आप करेंगे कि जब काका है वहाँ पर तो इस करके हम ज्योति का बैठ गए थे और बस भी हमने जो राधा रानी ले आई थी वृंदावन गई थी वो दिखाने लग रही क्योंकि लड्डू भी ले रखा है और इसकी बार जो राधा रानी है वो लेके आए थे तो बस उसी टॉपिक पर हमारी जो बातचीत है वो चल रही थी। और बस ही हम लागे थे सूट देखने क्योंकि घर से हम सूट देखने आए थे और ज्योति कल परसुए लेके आई है कपड़ा तो फिर मैं कहा चलो इब नए सूट भी आ रहे होंगे देख भी आवेंगे और ले भी आवेंगे
पर भाई सुमन के साथ में जाना और सूट लेके आना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुते कम चांस हो होंगे भैया मेरे गला चली गई और सूट ले आई होगी, क्योंकि नाटे जाओगी। असल में तो बोला ही को नहीं, मैं कहीं जाऊंगी यू रंग लेना है, यू रंग लेना है, ईसा है ईसा है, कुछ भी को नहीं बोला है। और फिर आखिरी में मनमान करा फिर भी छोड़ आवेगी कि ना महंगा है नू है नू है, मतलब बहुत बहुत दिक्कत हो जाए। अगर मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाया करूँ इसके गल्ला जाके। टोहान भी मैं इसने एक दो बार जब ले गई हूँ ना, तो ये मैंने खाली ले आया करती, क्योंकि बच्चे की ड्रेस खातर भी बहुत ज़्यादा ना या महंगी होगी या नू होगी या नू होगी, ले वे को नहीं। और तो इस करके हम इसने कम ही ले जाया करा, क्योंकि ये शॉपिंग वैसे भी कम करा है। यहाँ पे भी जैसे हमें ले आवा हाँ, और वहाँ पे असरोज ले आया करा, मतलब सुमन की जेठानी है वो जैसे बच्चे की ड्रेस वगैरह लेके आने ना, इनका भी कोई शादी है या फिर इनके खुद के भी सूट लेके आने हैं, तो वाई ले आया करा जब भी कुछ ले आना हो, या बहुत कम जाया करा। और ठीक है इसने नहीं ले जाते तो क्योंकि इसके बस की बात है भी कोने लेना, बिल्कुल भी पीछे खर्च करके खुश नहीं है, यो नहीं है भाई। हाँ मतलब लड़कियां जुनू बैठ गई कि यो वीडियो आ दो, वो चीज़ तो है ही नहीं, मतलब ज़बरदस्ती दिलवाना पड़ा है। और बस बाद में गला जाओगी जब तुमने छोड़ के आने पड़े हैं कि भाई ना को नहीं लेंदी, फिर क्यों उसमें नूरव है भाई, कदे इसके पसंद ना हो कदे ज़बरदस्ती कर लिया, फिर बाद में बिल्कुल आराम तय घर बिठा के समझा के और फिर मैंने सूट मंगवाना पड़ा करा कि बेबे वो सूट भेज दिए। तो बस हमारी अड़न में बातचीत चल रही थी। मैं खा लोग कमेंट करते हैं भाई बहन को भी लेके आया कर वीडियो में, उसके पास भी जाया कर, उसको भी बुलाया कर, अच्छा लगेगा ये बात वो बात। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहन के साथ कोई बात है या कुछ है, भगवान की दया था, देखो आज तक तो बढ़िया ही चल रहा है। लेकिन क्या है, या खुद अपने काम में बिजी है, मैं खुद अपने काम में बिजी हूँ, मेरा तो फिर भी एक आधी बार ऐसा हुआ है, पहले तो मैं जैसे गोबर गिरना आया करती तब आ जाया करती इसके पास में, या फिर एक आधी बार अब कदे कदार अगर सूट लेने पड़े तो उस टाइम पर आ जाए वहाँ, बाकी हमारा मिलना मिलाना कम ही होया करें। और रही बात मतलब जैसे बर्थडे वगैरह भी हो गए हैं ना, तो उस टाइम पर भी हम बुलाएं तो उस टाइम पर भी अब मतलब के पता आवे और इसके कस्टमर आ जाए, तो इसने वापस तो फिर भाजना पड़ेगा। केक कटिंग के टाइम पर तो जरूर आया करें, मतलब हर बार का काम है, उस टाइम पर तो यार ही ना करें, ठीक है। तो रोहतक तक तो जाना बहुत मुश्किल था, रोहतक तक कैसे चले जाओगे भाई जी, नहीं यहाँ पर आने का भी टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा सोचा करो। और आपने देखा होगा अभी घर भी बहुत कम जावे है, तो वहाँ पे भी लोग बोलते रहे हैं कि उसने भी बुला लिया कर, उसने भी बुला लिया, क्योंकि मैं दो दिन गई थी ना तब भी मैंने कमेंट देखे थे। तो देखो बुलावे तो सारिया ही ना है, ठीक है। मेरा काम थोड़ा सा ऐसा है भाई, मैं अपना काम वहाँ पे भी लेके चली जाऊँ, मैं तो वहाँ पे भी कर लूँगी। ये भी इसका काम ऐसा है, अपनी दुकानदारी ने उड़ा थोड़ी ले जा सके, इसका तो काम यहीं पे चलेगा, ठीक है ना। तो सब ने अपने अपने काम का लोभ होया ही करे भाई, मैंने अपने काम का लोभ है, इसने अपने काम का लोभ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो भाई हमारी रोजी रोटी है अगर उसका हम वो नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, है ना। तो अपना जो काम है वो पूरी ईमानदारी लगन और मेहनत से करते रहे, कोई बात नहीं, सारी चीजें साथ साथ में चलती रहती हैं। तो भाई आ गए हाँ, और आंदे बना ली अपनी जाडे की खुराक है शराबिया खातर, जो शराब खुराक हो नहीं तो हम जो टी लवर है ना उनके लिए ये खुराक होती है। आज देखो मैंने चाह बनाई फूल बना रखी मगे भर भर पी बड़ बड़ कर ले जा भाई, मैं कटोरा है क्या तो बाजन हो रही है, कटोरा भर लूं नाम फूल पट्टी मल्लो का मंगल तो मल्लो नू तो मारा आपका आपका वो के नाम है, मतलब मेरा तो एक है लंबड़ 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 में दर्द को कर मेरी मां का उन्होंने नाम काटा था लंबड़, मेरी मां का निकनेम है लंबड़, मेरी मां आज प्रैंक करा था नहीं कोई, मैं तो जमा गीसा कर लिया, उन लोगों ने कमेंट करा के जिन्हें कदे भी नहीं कमेंट करे थे ये करा था गीसा कर लिया तो है, सास बहू की सच्चाई सामने तो आई ना, वो तो स्पीड बता रखी थी उस टाइम पे, तो लोग तो नॉर्मल बना रखे बेबी तरमा, तो ये बात है तो ऐसी ऐसी सच्चाई हम आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, क्योंकि देखो अच्छाई बहुत दिखा दी है परिवार की,
जाओ जी, दूध पी लो, जिसका भी पीना है। दूध काट लिया हमने शाम के 5 बज रहे हैं इस टाइम पे। और भैंस का शुद्ध दूध, ये मेरी माँ इसने अपने औजाज देगी जो कुछ भी इसका करना है। पानी तो नहीं गेड़ा माँ और गए कैमरा में रिकॉर्ड कर दियो। दुधिया आ गया है, दूध काट दे। और भाई आड़ा बन लाग रही है दाल, दाल क्योंकि सब्जी खा खा मोलिए थे जमा बोर। और दाल तो बनाने लायक है सुमन ने, इसमें इसने ना तो घी गिर गया ना तिड़का लाया, तेल में दाल छोक दी सब्जी आप खावे नहीं वाए बटे आगा दर है। आलू तो आलू तो न्यारी सब्जी नहीं पाओगी नुन्ना, चाहे कितना किमे जा रहा हो। इनका तो ससुर है जड़ा ब्याह रखी आप बड़सी हो गए, कामा के रिश्तेदार मैंने देखे है, मतलब थोड़ी सी मेहमान नवाजी कम कर। ऊ तो इज्जत करे है सुमन का तो खर कर रहे हैं, बाकी और उन भी कम करे है ना। पर हाँ सब्जी वाए दे दे हाँ सबने, मतलब आलू गोले और अपने दर दिए और मैं लाऊंगा फिर मैंने देखनी पड़ेगी बात है। अच्छा मामी भी बात क्या आलू ले आओगी नु का क्या ए मां मामी मामी नहीं जो कितना पीस पड़ा हो सारे आलू बनावा ओरे तो सुमन और का हमने 10 साल तो मेरे बयान हो गए, 10 साल में हमने आलू तो नेरी सब्जी नहीं खाई, इनका खाई है कदे रिकॉर्ड है 10 साल का। कदे मटर पनीर भी खुआ दिया हमनु, कह देना नंद का गए थे मटर पनीर खुआ दिया इसका तो अच्छा नहीं। मेरी बात सुन, इस अच्छा तो हलवा मत बनाया करो, एक आधी बार मटर पनीर खुआ दिया करो। फिर मौसी का दौरा नहीं कह देंगे, तो मौसी ने बेरा नहीं हम आलू बनावा क्यों खुशी, बेरा खुशी खुद सहमत हमारी बात है। इब जो सी चीज बना देंगे वाह कहोगे इमनू कुकर कहो भाई ओड़ा मार खातर कोफ्ते बनावे। बाकी देख इज्जत बहुत करे है नी, दूध पी ले बेटी, हलवा खा ले, फलानी चीज खा ले, दिकड़ी खा ले। तो भाई चलो आज के वीडियो में इतना ही, और कोई बुरा मत मान जाइए क्योंकि कुछ चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए भी होती हैं, कुछ लोग ज़्यादा ही सीरियस हो जाएं छोटी छोटी बातें ना लेके, पर कोई बात ना हमने कंधड़ी आड़े ना कह लिया करो। क्योंकि जिसे हम होंगे भाई उसे हम कहे जावांगे है ना, कुछ नहीं होता ये तो आपस में नुए चले जाया करें। और किसा लगे वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो चलो फिर बाय बाय।